नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिम्स में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, छठ पूजा का त्यौहार जो है वो काफी ज्यादा करीब आ गया है, लेकिन खेसारी लाल यादव के किसी भी गाने को लेकर अभी तक अपडेट नहीं आया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम गायकों के, तमाम सिंगरों के छठ पूजा के गाने रिलीज भी हो चुके हैं और कई लोगों के गाने आ भी रहे हैं, लेकिन जो हमेशा सबसे ज्यादा फास्ट रहते हैं खेसारी लाल यादव का, ना कोई अभी तक गाने की शूटिंग की तस्वीरें आई है, ना किसी के द्वारा कोई ऐसा अपडेट दिया गया है कि भाई छठ पूजा के गाने की रिकॉर्डिंग हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो सवाल अभी ये है कि क्या खेसारी लाल यादव के छठ पूजा के गाने आएंगे कि नहीं आएंगे। लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि समय बीतता जा रहा है, छठ पूजा नजदीक आते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव के इस गाने को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले कोई और जानकारी है कि नहीं है उसके बारे में हम चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके राइटर जो पवन पांडे हैं, पवन पांडे कई सारे गाने जो हैं वो छठ पूजा के लिख चुके हैं खेसारी लाल यादव के लिए, और वो गाने काफी ज्यादा वायरल भी हुए हैं। तो उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि भाई उनके कंपनी से गाना जो है वो आएगा और उस गाने को पवन पांडे ही लिखे होंगे और खेसारी लाल यादव के आवाज में आएगा। हालांकि उनके कंपनी से 6-7 गाने आएंगे अलग अलग सिंगरों के, लेकिन उसमें से एक गाना जो है वो खेसारी लाल यादव का आएगा। अब उनका ये भी कहना था कि अब हम जो है क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, क्वालिटीज पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम खेसारी लाल यादव के साथ एक ही गाना करेंगे, और जब क्वालिटी की बात होती है तो गाना काफी ज्यादा कमाल का भी होने वाला होगा, क्योंकि छठ पूजा का माहौल है और छठ पूजा में अगर क्वालिटी वाले आप कंटेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक्साइटमेंट भर ही जाता है। अब इंतजार रहेगा कि भाई खेसारी लाल यादव का गाना छठ पूजा का किस कंपनी से आता है, लेकिन एक का तो जानकारी कम से कम तो आई, भले ही रिलीज नहीं हुआ हो, लेकिन जानकारी एक तो आई कि चलो भैया एक आएगा, बाकी तो कोई जानकारी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, शूटिंग हुआ कि नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। खैर जो भी है, आप लोग कितना एक्साइटेड है छठ पूजा के गाने को लेकर, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।